वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य। नारायण नमस्कृत्य। नरम चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासम्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु। नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तीसरा श्लोक है ना माता जी आज? जी प्रभु जी। आज हार अश्वमेधान्त्रेन गंगायां भूरि दक्षिणां सारस्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्र अक्षि गोचरा। आज हार अश्वमेधान्त्रेन गंगायां भूरि दक्षिणां सारद्वतम गुरुम कृत्वा देवा यत्र अक्षि गोचरा गोचरा। मेरे साथ पढ़िए। आज हार अश्वमेधान त्रेन। आज हार अश्वमेधान गंगायाम भूरि दक्षिणान गुरुं कृत्वा देवायत्र अक्षि गोचरा। आज हार अश्वमेधान त्रेन गंगायां भूरि दक्षिणान सारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्र अक्षि गोचरा। अवधारण है आज हार संपन्न किया अश्वमेधान अश्वमेधिया के त्रीन तीन गंगायाम गंगा तट पर भूरि पर्याप्त दक्षिणा दक्षिणाएं पुरस्कार सारद्वतम कृपाचार्य को गुरु गुरु कृत्वा चुनकर देवा देवता गण यत्र जहां पर अक्षि आंखें गोचरा दृष्टिगत। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर तीन अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। ये तीनों अश्वमेध यज्ञ में इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके क्योंकि देवता यज्ञ में आए होंगे। मेरे साथ पढ़िए। महाराजा परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर तीन अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में
सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके, तात्पर्य। हरे कृष्णा, शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य इस श्लोक से लगता है कि स्वर्ग के निवासियों द्वारा अंतर्गृह यात्रा सुगम है। भागवत में अनेक स्थलों में हमने देखा है कि प्रभावशाली राजाओं तथा सम्राटों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों में स्वर्ग के निवासी भी भाग लेने के लिए पृथ्वी पर आया करते थे। यहाँ भी हम पाते हैं कि महाराज परीक्षित के अश्वमेध यज्ञ में अनेक ग्रहों के देवता यज्ञोत्सव के कारण सामान्य व्यक्ति को भी दिखाई दे रहे थे। देवता सामान्यतः आम लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होते, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान नहीं दिखते, लेकिन जिस तरह भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए दृश्य होने के निमित्त अपनी अहित की कृपा से अवतरित होते हैं, ऊपर से अवतरित होते हैं। प्रभु जी वापस नीचे आ गया, ये स्क्रीन ऊपर से पढ़िए माता जी। हाँ जी जी, अवतरित गड़बड़ कर रहा है, अवतरित होते हैं। इसी तरह देवता भी सामान्य व्यक्ति को अपनी कृपा से दृष्टिगोचर हुए। यद्यपि स्वर्ग के निवासी इस पृथ्वी के लोगों की आंखों से दिखाई नहीं दिखते नहीं, किंतु यह महाराज परीक्षित का प्रताप था कि देवताओं ने दृश्य होना स्वीकार कर दिया। राजगण ऐसे यज्ञों के समय जी खोलकर खर्च करते थे, जिस तरह बादल पानी बरसाते हैं। बादल आखिर पानी का दूसरा रूप ही तो है, अथवा दूसरे शब्दों में पृथ्वी का पानी ही बादलों में रूपांतरित होता है। इसी प्रकार ऐसे यज्ञों में राजाओं द्वारा दिया गया दान प्रजा के ही संग्रह किए गए कर का दूसरा रूप होता है, किंतु जिस तरह जब प्रचुर वर्षा होती है तो वह आवश्यकता से अधिक प्रतीत होता है, इसी तरह ऐसे राजाओं द्वारा दिया गया दान भी प्रजा की आवश्यकताओं से अधिक प्रतीत होता है। संतुष्ट प्रजा कभी राजा के विरुद्ध संघर्ष नहीं करती, अतएव राजतंत्रीय राजा को बदलने की गई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए भी मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता थी। ऐसे मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना संभव नहीं है। गुरु को प्रमाणिक होना चाहिए और जो आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छुक रहते हैं उन्हें वास्तव सफलता प्राप्त करने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए। तो उन्हें प्रमाणिक गुरु कृपाचार्य को अपना गुरु मानते हुए तीन अश्वमेध यज्ञ किए। गंगा जी के तट पर यह बताया गया कि अश्वमेध यज्ञ बहुत अच्छा माना जाता है, राजा करते थे अश्वमेध यज्ञ, ये परीक्षित महाराज ने किए। कृपाचार्य आप जानते हैं इनके कुल गुरु थे पहले भी, अर्जुन के युधिष्ठिर महाराज के टाइम पर बहुत पहले, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे कृपाचार्य। कृपाचार्य नहीं मरे थे क्योंकि द्रोणाचार्य तो मर गए थे लेकिन कृपाचार्य रह गए थे। निज ग्राह ओजसा वीरः कलिम दिग्विजय क्वचित नृपलिंग धर्म शूद्रम घनंतम गो मिथुन मिथुनम पदा निज ग्राह ओजसा वीरः कलिम दिग्विजय क्वचित नृपलिंग धर्म शूद्रम घनंतम गो मिथुनम पदा। मेरे साथ पढ़िए, निज ग्राह ओजसा वीरः कलिम दिग्विजय क्वचित नृपलिंग धर्म शूद्रम अनंतम गो मिथुनम पदा। अनंतम गो मिथुनम पदा।
निजग्राह ओजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्ग धरं शूद्रम् अनन्तं गोमिथुनं पदा निजग्राह पर्याप्त दंडित ओजसा पराक्रम से वीरः वीर पुरुष कलिम इस युग के स्वामी कलि को दिग्विजय विश्व को विजित करने के मार्ग पर क्वचित एक बार नृपलिंग धर्म राजा का भेष धारण करके विचरण करने वाला शूद्रम नीच जाति का धनंतम चोट पहुंचाते हुए गो मिथुनम गाय तथा बैल की जोड़ी को मिथुन मिथुन होता है जोड़ी पदा पांव में एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया क्योंकि कलयुग आ चुका था। कलि का रूप दिखा रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था राजा का भेष धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अत्रि मोदक माता जी। हरे कृष्ण। दिग्विजय तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा दिग्विजय करने हेतु राजा के बाहर निकलने के का उद्देश्य आत्मश्लाघा नहीं है। महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठने के पश्चात दिग्विजय करने निकले थे किंतु ये अन्य राजाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य नहीं था। वे विश्व के सम्राट थे और समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन ही थे। उनका बाहर जाने का उद्देश्य ये देखना था कि क्या राज्यों का शासन भगवत भावनामय ढंग से चल रहा था कि नहीं। श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को श्री भगवान की इच्छाओं को भली भांति पूरा करना होता है। इसमें आत्मश्लाघा का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जीव ही महाराज परीक्षित ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के वेश में गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार करते देखा तो उन्होंने तुरंत उसे बंदी बनाकर दंड दिया। राजा न तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय का अनादर होते सह सकता है, न वो सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर सह सकता है। मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसके पालन हेतु गोरक्षा अनिवार्य है। गाय के दूध में चमत्कार है क्योंकि इसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक विटामिन रहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकती है जब मनुष्य को सत्वगुण विकसित करने की शिक्षा दी जाए और उसके लिए दूध फल तथा अन्न का तैयार किया गया भोजन मूल आवश्यकता है। महाराज परीक्षित ये देखकर चकित थे कि एक काला शूद्र राजा का वेश बनाए
मानव समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है राज्य के प्रबंधों में अग्रणी बन जाते हैं। राजा के पद पर ऐसे मनुष्य निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, जिससे संपूर्ण समाज नरक की ओर आगे बढ़ता है। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के समस्त संघर्षों के मूल कारण की गंध पा ली थी, अतएव वे इसी प्रारंभ में ही रूप देना चाहते थे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ये देखा गया कि राजा ये जब निकले विजयी करके जो बताया है वो किसी आत्मश्लाघा के लिए नहीं, किसी को हानि पहुंचाने मारने के लिए नहीं, यह देखने के लिए कि सब व्यवस्था सब जगह जैसे भगवान चाहते हैं वैसे हो रही है या नहीं हो रही है। तब उन्होंने देखा कि एक शूद्र से भी निम्न व्यक्ति वो राजा के भेष में गाय और बैल की जोड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो राजा ने उसे पकड़ लिया दंड देने के लिए। एक दो चीज, एक ये बताई है कि गाय पर कहीं भी अत्याचार हो रहा हो हमको सहन नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है ब्राह्मण, हमको ब्राह्मण सभ्यता बहुत जरूरी है। हमारे ब्राह्मण सभ्यता का मतलब है सत्वगुणी। सत्वगुणी व्यक्ति जो हैं वो समाज के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, क्योंकि वो समाज को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। रजोगुणी तमोगुणी नहीं। अभी क्या हो रहा है, तमोगुणी लोग शिक्षा देते हैं, रजोगुणी लोग शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा आप समझ सकते हैं, आपने खुद ही समझ लीजिए। अभी जैसे तमोगुणी लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, अभी हमारे ये राज्य में, क्योंकि डेमोक्रेसी में होता ही ऐसा है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, यह डेमोक्रेसी कहती है। लेकिन उस समय जब राजाओं का राज्य होता था उस समय ब्राह्मण को सबसे ज्यादा उच्च स्थान दिया जाता था, क्योंकि ब्राह्मण राजा को भी सलाह देता था और ब्राह्मण लोभी नहीं होता था, ब्राह्मण की कोई आमदनी नहीं होती थी। राजा ही जब कभी उत्सव होते थे राजा ब्राह्मण को प्रचुर दान दिया करते थे, जिससे ब्राह्मण का अपना जीवन निर्वाह हो जाता था, ब्राह्मण पैसे के पीछे नहीं भागता था। वैसे भी आपको बता रहा हूं मैं, ब्राह्मण कहो या सत्वगुणी व्यक्ति कभी पैसे के लिए लालायित नहीं होता, लोभ से उसमें लोभ होता है बहुत कम, क्योंकि वो सत्वगुण में है। लोभ खत्म हो गया तो, क्रोध खत्म हो गया तो, काम खत्म हो गया तो, दम खत्म हो गया तो क्या है, वो वैष्णव है, वो सत्वगुण को छोड़ चुका है, उससे ऊपर उठ चुका है, ये है। तो लेकिन उसके लिए इन तीनों गुणों में, प्रकृति के तीन गुणों में सत्वगुण सबसे अच्छा है। सत्वगुणी व्यक्ति वास्तव में सुखी भी रहता है, खुश रहता है। सत्वगुण में, रजोगुण में आप खुश नहीं हो सकते, आप पागल हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत धन कमाते हैं, बहुत उनके चलते हैं, बहुत फैक्ट्रियां चलती हैं, बहुत बिजनेस चलता है, वो आदमी रात को गोली खा के सोता है, उसको नींद ही नहीं आती, क्योंकि वो परेशान है उस फैक्ट्री का क्या होगा, इस फैक्ट्री में ये नुकसान उस नुकसान हो। लेकिन बहुत मेहनती होता है, और इनमें से कुछ लोग दान भी देते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, और स्कूल खोलते हैं, ये काम करते हैं, पुण्य का काम भी करते हैं, रजोगुणी व्यक्ति करते हैं। लेकिन
वो खुश नहीं होते। क्यों? रजोगुण में है। रजोगुणी व्यक्ति खुश कभी नहीं हो सकता है। वो सुख मिलता है उसको क्षणिक, जिसके पीछे दुख छिपा है। और तमोगुणी तो वो तो पागल ही है, उसके वो उसका खुश होने का तो सवाल ही नहीं है। वो हमेशा पागलों की तरह रहता है तमोगुण। इसलिए हमको सबको कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा समय पर सतोगुण में रहें। जैसे आप अभी भागवतम सुन रहे हैं, आप सब सतोगुण में हैं। आप घर जाते हैं, फिर बाहर लोगों से आपका संपर्क होता है, अपना सतोगुण को जाने मत दीजिए। सतोगुण जितने टाइम तक आपके साथ रह सकता है उसको रखिए, क्योंकि सतोगुण बहुत जरूरी है। इसलिए समाज को अगर आपने ठीक रखना है, एक तो गाय की रक्षा बहुत जरूरी है। गाय के दूध को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? प्रभुपाद बार बार कहते हैं शरीर के लिए तो पोषक है ही, गाय के दूध में जो हमारे स्मृति तंतु हैं, मेमोरी एलिमेंट्स ब्रेन में, उनका पोषण होता है, प्रभुपाद कहते हैं। तो इसलिए गाय का दूध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ब्राह्मण वो समाज में अच्छी शिक्षा देता है। ब्राह्मण कभी कोई गंदगी नहीं फैलाएगा। ब्राह्मण का मतलब मेरा सतोगुण से है। आप कहेंगे नहीं, ब्राह्मण तो शराब पी रहा था, वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो बहुत झूठ बोलता है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो बहुत ठगी करता है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो सतोगुण में होता, सतोगुण में ये लक्षण नहीं होते हैं। इसलिए राजा इस चीज का ध्यान रखते थे कि सतोगुण रहना चाहिए समाज में ब्राह्मण की, इसलिए रक्षा करनी चाहिए। दूसरा, गाय की, क्योंकि गाय का हमारे आहार के लिए बहुत जरूरी है गाय का दूध। ये दो चीज ये बहुत जरूरी मानी जाती हैं वैदिक ढंग से। शौनक वाचा कस्य हेतोर निज ग्राह कलिम दिग्विजये नृपः नदेव चिन्ह द्रक शूद्रको असौ गाम यह पदाहन तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रय। शौनक वाचा कस्य हेतो निजग्राह कलिम दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्ह धृक शूद्र को असौ गाम यह पदाहन तत् कथ्यताम महाभाग यद कृष्ण कथाश्रयम्। मेरे साथ पढ़िए, शौनक वाचा कस्य हेतोर निज ग्राह नृदेव चिन्ह धृक् शूद्र को असौ गाम यह पदाहन महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक वाचा कस्य हेतोर निज ग्राह कलिम दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्ह शूद्र धृक् को नृदेव चिन्ह धृक् शूद्र को यह पदाहन तत्कथ्यताम महाभाग
यदि कृष्ण कथाश्रयम् सौनक अच्छा कौन है सौनक शौनकादि ऋषि सौनका ऋषि कहाँ है नैमिषारण्य जो जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके लीडर हैं अध्यक्ष हैं सवाल इन्हीं के मार्फत पूछे जाते हैं किसको सूत गोस्वामी को अब सौनक उवाच सौनक पूछ रहे होंगे किसको सूत गोस्वामी को सौनक ऋषि ने पूछा और सॉरी शब्दार्थ सौनक उवाच सौनक ऋषि ने कहा कस्य किस हेतु कारण से निज ग्राह पर्याप्त दंड दिया कलिम कलयुग के स्वामी को दिग्विजय अपनी विश्व यात्रा के समय नृपह राजा नृपदेव राजसी व्यक्ति चिन्हद्रक के समान राजा हुआ शूद्रक कहा शूद्र में भी अधम असौ वह गाम गाय को यह जो पदा अहनत लात से मारा तत् वह सब कथताम कृपा करके कहो महाभाग हे परम भाग्यशाली यदि यदि फिर भी कृष्ण कृष्ण विषय कथा आश्रयम उनकी कथाओं से संबंधित सौनक ऋषि ने पूछा महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया जबकि वह शूद्र में अधम था उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था गाय को लात मारी थी उसने ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हों तो कृपया इनका वर्णन करें कितनी अच्छी बात कही अगर कृष्ण से संबंधित नहीं है नहीं सुनना चाहते कृष्ण से संबंधित है तो कृपया इसका वर्णन करें ये कह रहे हैं सौनक ऋषि मेरे साथ पढ़िए सौनक ऋषि ने पूछा महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया उसे केवल दंड क्यों दिया जबकि वह शूद्र में अधम था उसने राजा का भेष बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हूँ तो कृपया इनका वर्णन करें सौनका ऋषि का कहना है कि उसको दंड खाली दंड क्यों उसको तो और कुछ और ज्यादा दंड मिलना चाहिए मतलब ये था उनका कि अगर लेकिन अगर इसका कृष्ण कथा से संबंध है तो बताइए नहीं तो हम नहीं सुनना चाहते ये तात्पर्य माता जी हरे कृष्ण राखी अग्रवाल माता जी हरे कृष्ण शील प्रभुपाद जी की जय तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा सौनक तथा ऋषि गण यह सुनकर विस्मित थे कि पुण्य आत्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया उसे मार क्यों नहीं डाला इससे वह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्य आत्मा महाराज को चाहिए कि वे ऐसे अपराधी को तुरंत मार डाले जो राजा का वेश बनाकर जनता को उगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है उस काल में ऋषियों ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के आगामी दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासन के रूप में चुना जाएगा और गोवध करने के लिए खुले सुनियोजित कसाईघर खोल दिए जाएंगे यद्यपि ऋषियों को उस शूद्रक के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा जो जो ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था फिर भी वे इसके विषय में ये जानने के लिए सुनना चाहते थे कि उसका संबंध किसी भगवान कृष्ण से तो नहीं है वे केवल कृष्ण
कृष्ण कथा में रुचि रखते थे, क्योंकि कृष्ण कथा में जो भी विषय संबंधित हो वह श्रवण करने योग होता है। भागवत में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मामले इत्यादि तथा श्रवणीय है। कृष्ण सभी मामलों के भागवत में समाज विज्ञान राजनीति अर्थशास्त्र सांस्कृतिक मामले इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग हैं। पढ़िए माता जी सेकंड लाइन नीचे से। किंतु वे सभी कृष्ण से संबंधित है, अतः वे सबके सब श्रवणीय है। कृष्ण सभी मामलों के शुद्ध कर्ता अवयव है, चाहे वे जैसे भी हों। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न होने, प्रभु जी ऊपर कर दीजिए, के कारण अशुद्ध है, उत्पन्न होने के कारण कृष्ण शुद्ध कर्ता तत्व है। हरे कृष्ण माता जी, तो ये कह रहे हैं, अगर अगर ये विषय कृष्ण से संबंधित है हम सुनेंगे, अगर इसका कृष्ण से संबंध नहीं है तो नहीं सुनना चाहते। देखिए कितने अच्छे श्रोतागण बैठे हैं नैमिषारण्य में। ओम अज्ञान तिम्रांधकस ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाजदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं